दुनिया में आपका स्वागत है। ये नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। भारत के 14वें राष्ट्रपति होंगे रामनाथ कोविंद। चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार मीरा कुमार को हराया। संसद में सुषमा स्वराज ने कहा डोकलाम में चीन ट्राई जंक्शन पॉइंट का उल्लंघन कर रहा है। विवादित क्षेत्र से पहले चीन की सेना हटे। अब तक 2,23,000 श्रद्धालुओं ने किए अमरनाथ हिमलिंग के दर्शन। सेवानिवृत्ति के बाद 10 राजाजी मार्ग में रहेंगे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। 11,776 वर्ग फुट में फैला हुआ है यह आवास। केंद्रीय मंत्री रमेश चंदप्पा ने लोकसभा में बताया 3 साल में गांवों में बने 4 करोड़ से ज्यादा शौचालय। नितिन गडकरी ने बताया दुर्घटना रोकने के लिए बने गतिरोधकों ने 2 साल में ली 7,000 लोगों की जान। दिल्ली NCR में हुई मूसलधार बारिश से नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ट्रैफिक जाम, 4 घंटे तक फंसे रहे वाहन। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के खनारी में बस गहरी खाई में गिरी, 28 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने से 6 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात से आकाशवाणी ने कमाए 10 करोड़ रुपए। अमेरिका की पाकिस्तान को फटकार, भारत और अफगानिस्तान में हमले करने वाले आतंकियों के खिलाफ नहीं कर रहा है कार्रवाई। नाइजीरिया के काटुना प्रांत में ग्रामीणों और चरवाहों के बीच संघर्ष में 33 लोगों की मौत। दक्षिण अफ्रीकी टीम से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी चाहते हैं इंग्लैंड के क्रिकेटर केविन पीटरसन। ये थी आज की खास खबरें। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।